करेंगे कोरोना की सूरत हाल की, तो पाकिस्तान में कोरोना वार में एक बार फिर तेजी आने लगी। मस्बत केसेस की शरह 4% से तजावुज भी कर गई, जबकि मजीद 4 अफराद जान की बाजी आ गए। कौमी इदारे ब्राइस सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 18,305 टेस्ट किए गए, जिनमें 818 अफराद में कोरोना के मस्बत केसेस की तशखीस हुई है। महकमे सेहत के मुताबिक मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 4.47% तक पहुंच गई, जबकि 126 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 4 अफराद जान की बाजी हार गए। वज़ारत सेहत ने कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नजर नए SOPs जारी कर दिए, जिसमें कहा गया है कि दफातर समेत हर जगह बैठने के दौरान समाजी फासला रखा जाए। तर्जमान वज़ारत सेहत के मुताबिक NCOC ने सरकारी दफातर के कोरोना SOPs जारी किए, जिसके तहत इबादत और नमाजों के दौरान भी समाजी फासला यकीनी बनाया जाए, जबकि दफातर के दाखिली रास्तों और वॉशरूम्स में हैंड सैनिटाइजर की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। वजारत सेहत ने कहा तमाम दफातर और इमारतों के दाखिली रास्तों पर लोगों का टेम्परेचर चेक किया जाए, कोरोना की अलामत रखने वालों को दफातर और इमारतों में दाखिल न होना दिया जाए, जबकि नजला जुकाम और सांस लेने में मुश्किल की सूरत में कोरोना की तशखीस के लिए PCR टेस्ट करवाया जाए। तर्जमान वजारत सेहत का मजीद कहना था कि NCOC की तरफ से कोरोना से बचाव के तरीकेकार पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की गई है। वजारत सेहत ने हिदायत की है कि मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, हाथ मिलाने से गुरेज किया जाए, वैक्सीन या बूस्टर शॉट लगवाने को यकीनी बनाया जाए।